राष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे में एनसीपी भी लगातार कई अहम फैसले भी ले रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी को बचाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना दो गुटों में बटी, अब कहीं कांग्रेस और एनसीपी भी दो गुटों में बटती हुई नजर नहीं आए। इसी बीच देखा जाए तो शिंदे गुट के तमाम नेता विधायक अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में शिंदे गुट के नेता भरत गोखले ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर एक नींबू फेंका और हम नहीं जानते कि वह कहां गए थे। वह रायगढ़ जिले के कोरेगांव में आयोजित कार्यकर्ता बैठक को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। बीजेपी के साथ गठबंधन शिवसेना का टूटा था बीते कुछ सालों पहले और तब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बगावत कर बैठे हैं, ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के बगावत करने के बाद अब यहां पर एकनाथ शिंदे के गुट के नेता भरत गोखले ने ये टिप्पणी की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भरत गोखले ने लगातार उद्धव ठाकरे के सामने भी बात रखी थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार रही। अक्सर शिकायत की कि शिवसेना के विधायकों को परेशान किया जा रहा है और अंत में 40 विधायक बगावत कर बैठे और बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना ली। हालांकि अगर शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया होता तो हम 5 कदम पीछे हट जाते। इस तरीके से भरत गोखले ने अपनी बात रखी है। चर्चा ये भी हुई कि भरत गोखले राज्य सरकार के कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने से काफी नाखुश रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि वह परेशान नहीं है। इस कैबिनेट विस्तार में रायगढ़ के एक भी विधायक को जगह नहीं मिलने से रायगढ़ में नाराजगी का माहौल है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इस तरीके से शरद पवार पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के नेता। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या कुछ फैसले लेते हैं महाविकास अघाड़ी के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।